पहले भी कयामत की निशानियों के तारीफ से बात हो रही थी और इसलिए बताया जाता है और इसलिए समझाया जाता है और आशा नगरी जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सारी बातें छोड़ छोड़ कर इसलिए बयान करवाई थी ताकि आदमी इन कामों से बचे और करने के काम आदमी करे। और कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि जिस इंसान को ये डराया जाए और ये समझाया जाए कि आगे का ये रास्ता तुम्हारे लिए दुश्वार है, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अगर इन रास्तों से गुजरोगे तो ये रास्ते तुम्हारे लिए नुकसान के जरिया बनेगा और इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो ये चीज़ें तुम्हें नुकसान देगी। एक डॉक्टर अगर किसी को मशवरा दे दे कि ये गोली नहीं खाना, ये गोली तुम्हें साइड इफेक्ट करेगी, तो बंदा गोली नहीं खाता है। तो मशवरा देने वाला किसी इंसान को मशवरा देते कि ये काम नहीं करता, बंदा नहीं करता है, वो इसलिए नहीं करता है कि उसको नुकसान न पहुंचे। एक दुनिया के दानिश्वर आदमी और एक दुनिया का अकलमंद आदमी अगर किसी को मशवरा दे देता है, हम उसके मशवरे को कबूल कर लेते हैं, उस दानिश्वर की बात को तस्लीम कर लेते हैं और मान लेते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि देखो खुदा आदमी ने ये बात कही है, ये न करना, ये करोगे नुकसान होगा। हम हरेक की बात मान लेते हैं, अकलमंद की बात को तस्लीम करते हैं। पूरी कायनात के अंदर जिसका मकाम अल्लाह ने बनाया है जना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे बड़ा कोई अकलमंद नहीं है, उससे बड़ा कोई कामिल और पक्का रहबर नहीं है, उससे बड़ा कोई कायद नहीं है। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अच्छी तालीम देने वाला इस दुनिया में न पैदा हुआ न होगा। इस आसमान और जमीन के बीच में अल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत बनाई है जो कामिल और मुकम्मल है। आपकी जात और सिफात और आपकी तालीमात बिल्कुल मुकम्मल है, जिसमें कोई शक नहीं है। और इस उंगली और दस्त की बराबर को आदमी ये शक नहीं कर सकता कि आकाय बदल सल्लाम की ये तालीमत हमें पसंद नहीं है। हम दुनिया के अकलमंदों की बात को मानकर अपने आप को बचाते हैं कहीं कहीं नुकसान न हो जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कयामत से पहले सारी चीजें बताकर गए हैं और हम हुजूर का मशवरा नहीं मानते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम नहीं करते हैं। हमसे बड़ा फंसाने वाला कौन होगा और हमसे बड़ा नुकसान उठाने वाला कौन होगा? एक दूसरों को मशवरा अच्छे से दे देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा कबूल नहीं करते हैं। हमसे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं होगा जिससे अल्लाह के रसूल का मशवरे को नहीं मानते। आपने सलाम ने सारी चीजें खोलकर बयान कर दी है जो दुनिया का कोई अकलमंद आदमी नहीं बता सकता। आने वाले नुकसान से आगा कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर होने वाली है और उसमें तुम्हारा घाटा है, नुकसान है। अल्लाह उनको समझा दे। इसलिए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लंबी हदीस की आपने सुनी थी, उसके चंद चंद जुमले बाकी थे, उसी को दोहराता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह तरह सुपाकर दोहरा पूर्वे कयामत की निशानी में से निशानी ये भी है कि तुम देखोगे कयामत करीब आ जाएगी, जल्दी होने लगेगा। कान नंगे रहने वाले जिनको कपड़ा पहनने की तमीज नहीं थी और जो सलवार है थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाएंगे और वो तुम्हारे बादशाह बन जाएंगे। जिनको खाना खाने का तरीका नहीं मालूम है, पेशाब पखाने का तरीका नहीं मालूम है, बीवी से सोहबत करने का तरीका नहीं मालूम है, जिंदगी गुजारने के तरीके नहीं है, अब चारों मुल्क का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे बादशाह बन जाएंगे, ना अहल होंगे और वो तुम्हारे हाकिम बन जाएंगे। जब तुम ये देखो समझ जाए कौन सा कयामत है, कयामत करीब है, अल्लाह का अजाब करीब है और अल्लाह की पकड़ करीब है। ये हालात देखकर समझ जाना कि हम कौन से कयामत के जमाने में जी रहे हैं और आखिरी दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसने आपने आगे फरमाया वो शादी दो जहाज की ज्यादा और कयामत की निशानी में से निशानी ये है
कि औरतें मर्दों के शाना बशाना तिजारत के अंदर मर्दों के शाना बशाना चलेगी और मर्द अपने साथ औरतों को तिजारत में शरीक करेगा। अब इस जुमले को सुनकर आप समझ लीजिए क्या जमाने के हालात को और जमाने के तगैयर को और औरत के जिस मकाम को आज मगरिब ने जो दिया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने औरत का जो मकाम दिया था और मगरिब ने और यहूदियों ने और ईसाइयों ने जो औरतों का मकाम दिया है कितना डिफरेंस है और कितना फर्क उसमें वाजे तौर पर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था गुर्दे कयामत की निशानी है कि औरतें मर्दों पे शाना बचाना तिजारत का हिस्सा लेगी और वो तिजारत करेगी। और इन्होंने कोशिश की और लड़कियों को जो घरों की जीनत हुआ करती थी जो बाजारों की जीनत नहीं होती थी और वो अपने शौहर के दावेदार होती थी और अपने बच्चों की परवरिश करने वाली एक पाकीज़ा खातून होती थी जिस पर इन लोगों ने ये नारा दिया कि औरत मर्दों के शाना बचाना चलेगी लेडीज इज द फर्स्ट, ये नारे देकर औरत को बाहर लाया दुकानों पर मॉलों में बाजारों में वेलकम करने के लिए एयर होस्टेस के नाम पर 300-300, 400-400 पैसेंजर की हवस की निगाहें हमारी बच्चियों पर पड़े। इसका नाम आजादी दी गई और उसका नाम यूं कहा गया लोगों के निस्वा के हम बहुत बड़े अलमबरदार हैं, हम औरतों को हुकूक देंगे। ये हुकूक है, ये आजादी है जहाँ पर इस्लाम ने यह कहा औरत को घर पे रखा जाए और मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कमाकर ना कर दे और वो कमाकर बीवी का नाम नक्शा पूरा करे। और जन की मलिका अल्लाह ने औरत को बनाया कहीं औरत की परवरिश करे और आप अपने शोहर की इज्जत की इबादत करे और अपनी इज्जत की और साबदामनी की इबादत करे। अल्लाह ने इसको मलिका बनाया था, अल्लाह ताला ने इसको बादशाहत वाली जिंदगी दी थी। फ्रांस के मगरिब के कल्चर ने औरतों को बाहर लाया और हमारी बच्चियों को जॉब पर भेजना हमने भी शुरू कर दिया इनकी तहजीब को अपना कर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा पसंद नहीं आया, 5,000 लड़कियां इस जॉब के चक्कर में उनसे ढूंढी। आप अपने घरेबान में जाते कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हम लोगों ने मेहनत की है, जो लड़कियां मुर्तद हो गई है, गैर मुस्लिमों के साथ शादी हो गई है, बाप को अच्छा लग रहा है बेटी 30-30,000 रुपया कमा रही है, कहां कौन से जॉब पर जा रही है, जस्ट डायल में जा रही है, कॉल सेंटर में जा रही है, मुर्शिद के साथ मनाना जाती है, कोई मसला नहीं है। अरे सभी सफर, सभी सफर हज बैतुल्लाह और उमरा का सफर हो, अल्लाह के घर की जियारत हो, हजर अश्वत का पोसा देना हो और सफा मरवा की तैयारी हो और काबतुल्ला की जियारत करना हो, अकेले सफर में ना महरम महरम के बगैर औरत के लिए सभी सफर नाजायज है, वो सभी सफर नहीं कर सकती। हालांकि अच्छे काम के लिए जा रही है, काबतुल्ला की जियारत है, काबतुल्ला को देखना इबादत है, सफा मरवा की सही इबादत है, हजर अश्वत को बोसा देना इबादत है, उसने वाले मुकद्दर सफर में भी औरत को अकेला भेजने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। ये इस्लाम की सारी बात है और हम समझते नहीं है और हमारी बच्ची कहते नहीं बाकायदा नकाब पहनकर जॉब पर जा रही है, कोई मसला नहीं है, ये आजादी है। मौत के पीछे आगे पीछे घूमो और वो मैनेजर तुम्हारी बच्चियों को गुलाम बना के रखे और हम इसको समझते हैं कि ये आजादी है। हराम है बच्चियों का जॉब पर जाना, वो माँ बाप, वो बाप और वो भाई बेगैरत है जिनको, और वो शोहर बेगैरत है जिनको कमा के अपने घर पे देना चाहिए था और अपनी बीवियों को पालना चाहिए था, वो बच्चियों की कमाई पर अपने घर को चला रहे हैं। और ये लड़कियां जब मूर्तन हो जाती है और गैरों के साथ में इस्लाम का झुकिया उड़ाकर और इस्लाम को बदनाम करने जब चली जाती है, माशरे का नाम भी खराब होता है और खानदान का नाम भी खराब होता है। और फिर बात करने जाता है तो भी नहीं कर सकता, 7 बच्चियां तो सिर्फ हमारी पठानवाड़ी की है जो जॉब के चक्कर में मुर्तद हुई है, हमारे पास आते हैं मामला हमें मालूम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जो उन्हें कयामत से पहले जब औरतें मर्दों को शाना बशाना तिजारत के अंदर शामिल हो जाएगी समझ जाना ये कुर्ब कयामत की निशानियां हैं। हमारी बच्चियों की अगर तमन्नाएं दुरुस्त होती, उनके जज्बात दुरुस्त होते और उनके ख्याल अगर दुरुस्त होते उनकी गोदों से, अल्लाह इमाम महमूद हनीफा जैसों को पैदा करता, अब्दुल कादिर जिलानी जैसों को पैदा करता, मुजद्दिद अल-बस्तानी को पैदा करता, मुबल्लिग आज़म मौलाना इलियास साहब जैसे पैदा होते, मौलाना कासिम साहब नानवी जैसे पैदा होते। आज माओं की गोदे बहुत पड़ी हुई है कि उनकी गोदों से मुजद्दिद अल-बस्तानी पैदा नहीं होता,
नाचने गाने वाले पैदा हो रहे, नाचने गाने वालियां पैदा हो रही है, इसलिए तो उनकी तमन्नाएं दुरुस्त नहीं है। जब माओ की तमन्नाएं दुरुस्त थी, झिझोड़ देते थे साहबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु को बदर उहद के मैदान से जब वापस आए हैं, साहबा बनवाते हमराउल असद तक पहुंच गए थे, शिकस्त टूटी थी लड़ाई के अंदर, और हम लोग हमराउल असद तक पहुंच गए थे, मदीने की औरतों को पता चला था और औरतों के आपस में तस्करे हुए थे। नऊजुबिल्लाह, हमने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है, चलो निकलो, अगर हमारे मन नहीं लड़ सकते, हम अल्लाह के रसूल की हिफाजत करेंगे और आपकी दीन की हिफाजत करेंगे। ये औरतें बाहर आई है, इनकी तमन्नाएं दुरुस्त थी। अब तो उलमा जिनके काम करने वाले, इनकी बच्चियां भी जॉब पर जा रही है और लड़कियां मुर्दन हो रही है। हमरा उन असद तक वो साहबा का मजबा पड़ता है, कहा तुम कहा जा रहे हो, वो औरतें खड़ी हो गई, जिसके हाथ में अपने भाई का गिरेबान आया उसने अपने भाई का गिरेबान पकड़ा, अपने बाप का पकड़ा और अपने शौहर का पकड़ा, और इन फरमाया अगर नाना का रसूल हुआ, अगर अल्लाह के रसूल को एक कांटा भी चूमा और हुजूर को थोड़ी सी तकलीफ हुई, याद रखना आज के बाद तुम हमारे भाई नहीं हो, और आज के बाद तुम हमारे शौहर नहीं हो, और आज के बाद तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम पलटो और वहां के मैदान के लिए निकलो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गर्व को छेड़ा है उस शिकस्त को पता में तब्दील करो। साहबा फरमाते हैं हमारी बहनों के इस लगदार ने और हमारी माओ के इस जज्बात ने हमें फिर से कदम हमारे लौटाए हैं और हम वहां के मैदान में वापस गए हैं, और अल्लाह ने उस शिकस्त को पता के अंदर तब्दील किया। वो माओ की तमन्नाएं दुरुस्त थी। सबसे पहले इस्लाम में जिसका खून बहा है वो सबसे पहले औरत का बहा है, जिसको कहा गया था अब इस्लाम को छोड़ दे, अब अल्लाह की वहदानियत को छोड़ दे, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को छोड़ दे, उस औरत ने यह कहा था मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाए और मैं अल्लाह की तौहीद का इनकार नहीं कर सकती और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकती। दुश्मनों ने बरखा मारा है, किताबों में लिखा है बरसा मारा है, और सबसे पहले इस्लाम के लिए अगर किसी का खून बहा है तो अगर सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का बहा और उनको उनके जिस्म के बीचों बीच से चीर दिया गया है पर इस्लाम पर वो मरी है, और आज हमारी बच्चियों को क्या हो गया, एक टूवर किस्म का एक कट्टा पहनने वाला और एक गैर मुस्लिम है जो पेशानी पर टीका लगाता है, उसकी शक्ल सूरत देख लो टूवर जैसी है, और हमारी खूबसूरत बच्ची ये दो चिंताएं हमारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वहां की बेटियां और कुरान को पढ़ने वाली और जिसका नाम मुसलमान, जिसका नाम आयशा, जिसका नाम सिद्दीका, जिसका नाम सुमैया, जिसका नाम समीरा, और ये जा रही है ये यादव के साथ, ये मिश्रा के साथ, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ये शादी करके इस्लाम को और मुसलमान को और माशरे को और खानदान को और सबसे बढ़कर अल्लाह को धोखा देकर इस्लाम को छोड़कर जा रही है। ये हो रहा है, ये कुर्बे कयामत की निशानियां हैं कि हमारी औरतों की और हमारी बच्चियों की इनकी तमन्नाएं दुरुस्त नहीं है। आज गैरों के साथ वो शादियां कर रही है और अगर ऐलान कर रही है, वरना तसव्वुर करो कि जिस माँ बाप ने 20-20 साल तक 22-22 साल तक जिस बच्ची को फूलों जैसा पाला हो और फिर वो लड़की कोर्ट मैरिज करके अपनी माँ बाप का चेहरा तक नहीं देख रही है और वो मुंह फेर कर चली जा रही है और वो ये कह रही है तुम मेरे असल माँ बाप नहीं हो, जिस लड़के के साथ मैंने शादी की है इसके माँ बाप मेरे हकीकी माँ बाप हो। क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर जो लड़की 22 साल के बाद और 20 साल के बाद किसी नए लड़के के साथ में शादी कर दे और वो भी ईमान वाला ना हो, गैर ईमान वाला हो, उस माँ बाप से जाकर पूछो उनके सीनों के अंदर वो किस दर्द के साथ रोते होंगे। मगर अल्लाह यूं कह रहा है जहां पता तू दिन बहरी और बाहर सीमा कैसा बदल जिंदा, ये ऐसे नहीं हो रहा है, तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुमने कुछ किया होगा, सजा के लिए बच्ची जा रही है, अच्छी परवरिश नहीं की है, अच्छे उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखे हैं और उनको आपने कॉलेज की राहें बता दी और आपने यूं कहा मेरी कॉलेज जाएगी तरक्की करेगी, ये लोग जाएगी तरक्की करेगी, अरे इंस्टाग्राम पर बैठकर फ्रेंडशिप करना क्या इसका नाम तरक्की है, बर्थडे के नाम पर केक काटकर अपने बॉयफ्रेंड को खिलाना क्या ये तरक्की है, टिकटॉक के नाम पर हमारी बच्चियों का
डांस करना क्या इसका नाम तरक्की है? अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक गुलाब देना क्या इसका नाम तरक्की है? बुर्का पहनकर ये बांद्रा के अंदर आप चले जाए और ये कितने गाने हमारे पास ऐसे चले जाए, बुर्का पहनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गले मिलकर और दोस्तों किनार से नवाजी दिखा जाते हैं, क्या इसका नाम तरक्की है? अरे तरक्की तो वो थी कि तलाक से निकलने वाली एक औरत सज धज कर काबतुल्लाह का सवाब करके चली जाती है, उसको देखने वाला क्या कोई छूने वाला भी मौजूद नहीं था। जिसका नाम तरक्की था पूरे मदीना के अंदर एक औरत पे हया नहीं थी, पूरे मक्का के अंदर और मक्की की गलियों के अंदर एक औरत पे हया नहीं थी। इसलिए पुराने करीम के अंदर अजीब अंदाज बयान किया, जहाँ चोर का मामला आया है वक्तारी को वक्तारी पर, जब चोर चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरतें इनके हाथ काटे गए तो सबसे पहले अल्फाज इस्तेमाल किया गया वक्तारी को वक्तारी पर, कहा चोरी करने वाला मर्द पहले मर्द का तस्करा किया गया। पहले मर्द का तस्करा है कि चोरी करने में सबसे बड़ी देरी ये मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। इसलिए पहले मर्द का तस्कीर अल्लाह ने फरमाया, अगर कर रहे इनके हाथों का दो, अगर बीना की बारी आई, बेहयाई की बारी आई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कल्चर की बारी आई, अल्लाह ये कह रहे वज़ानियतु वज़ानी, जीना करने वाली औरतें और जीना करने वाले मर्द इन्हें संस्कार करो। वहां पर तस्कीरा पहले औरत का किया और चोरी के अंदर पहले मर्द का किया। मुहद्दिसीन ने उलमा ने मुफस्सिरीन ने लिखा है कि चोरी में डेयरिंग पहले मर्द कर सकता है औरत नहीं कर सकती, और जीना में पहले डेयरिंग औरत कर सकती है मर्द नहीं कर सकती। अगर औरत ना चाहे कि उसके जिस्म को कोई देखे तो किसी मर्द में ताकत नहीं है कि उसके जिस्म को हाथ लगा सके। ये मौजू हस्ताक है, इस पर इसलिए आपके सामने बात कर रहे हैं इसलिए कि हमारी मस्तूरात को ये समझा रहे, फजर की नमाज पढ़ के आप निकलो, कितनी हमारी बच्चियां कॉलेज की राहों में अख्तियार करके जा रही है, वो जॉब पर जा रही है। मौलाना सज्जाद साहब हमारी फरमाते हैं कि जब कोरोना आ गया और सबको मालूम था ये खतरनाक बीमारी है, लोग तरजीह देते थे भाई मास्क पहनो, हाथ पे ग्लव्स पहनो, घर से बाहर न निकलो। क्यों ऐसा करना है? बीमारी खतरनाक है, तुम्हारे नाक में चली जाएगी, मुंह में चली जाएगी, मर जाओगे और हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भरे हुए हैं और लोग मर रहे हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं है और लोग इतना डरा देते कि लोगों ने अपने आप पर मास्क पहन लिया, हाथ में ग्लव्स पहन लिया। मौलाना फरमाते हैं बेहयाई का चारों तरफ माहौल है, बेशर्मी का चारों तरफ माहौल है, जीना आम हो गया है, बेशर्मी इतनी आम हो गई है और अपनी बच्चियों को माना नहीं करते, आदमी मौत के डर से मुंह पर मास्क पहन लिया, हाथ में ग्लव्स पहन लिया। तो पता नहीं है दरिंदों का एक बाजार लगा हुआ है और गैरों का एक बाजार लगाकर इनकी साजिश कर रही है बच्चों को मुर्तक बनाने की, और प्लानिंग के साथ मरीजों को दानी बनाने की एक प्लानिंग बन रही है। उसके बावजूद हम एहतियात नहीं करते और अल्लाह का मशवरा नहीं लेते और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा नहीं लेते कि अपने घरों पर रखो, घरों के अंदर रखने में तुम्हारी बच्चियों की इज्जत है और बच्चियों की आबरू है। एक बीमारी की वजह से हमने मास्क पहन लिया पर यह बेहयाई की बीमारी, ये बेसर्मी की बीमारी, और पूरे दुनिया के अंदर ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के कल्चर को देखकर हम अपनी बच्चियों को अपने घर पे नहीं रख सकते, हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, कितनी बेगैरती है। और हदीस में यूं आता है दयूस है वो मुसलमान और अल्लाह की लानत है दयूस पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तीन मरतबा फरमाया दयूस पर अल्लाह की लानत है, दयूस पर अल्लाह की लानत है। सावन ने फरमाया कौन दयूस है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस वो बाप है, दयूस वो भाई है, दयूस वो शौहर है और दयूस वो बेटा है जो अपनी घर की मस्तूरात को बाहर भेजे और गैर महरम मर्द इन मस्तूरात को हवस की निगाहों से देखे तो ये भेजने वाला आदमी दयूस है। अल्लाह की लानत इस पर है। अल्लाह हम सब की इबादत फरमाए। ये बाजारों की सीनत बनने वाली हमारी बच्चियां नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूहानी बेटियां है। इन्हें जवाब देना है अम्मा सिद्दीका को, इन्हें जवाब देना है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, इन्हें जवाब देना है हज़रत आसिया को। इनके अंदर वो सिफात पैदा करे कि वो रादिया बसरिया जैसी बने, हज़रत सिद्दीका जैसी बने, हज़रत फातिमा जैसी बने। ये उस वक्त होगा जब अपनी बच्चियों को इन सहाबियात के वाकियात पढ़ाएंगे, इस्लाम की हकानियत इनके दिलों के अंदर डालेंगे, तब जाकर ये होगा। वरना तो दुनिया का कल्चर और मजरी
का कल्चर ये हमारे घरों के अंदर आ रहा है और ये पूर्वे कयामत की निशानी है। आकाश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिजारा की तिजारत में मर्द औरतों के अपने साथ शामिल कर देंगे। और आगे भी अल्लाह के रसूल ने वही जुमला फरमाया जो आज हो रहा है, उसने फरमाया पर तब कहा निजारों की निशा वही निशाओं की तिजार का क्या होगा पूरे कयामत से पहले का मर्द औरतों की नक्काली करेंगे और औरतें मर्दों की नक्काली करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आज क्या हो रहा है कि जिस पाली को औरत को लड़की को पहनना चाहिए वो हमारे नौजवान ने पहन दिया, जो लिबास हमारी औरतों को नहीं पहनना चाहिए वो जींस और टी शर्ट हमारी बच्चियों ने पहन लिया, कट पहन लिया, लेगिंग्स पहन ली और हमारे नौजवानों का फालतू स्टाइल, हमारे नौजवानों की कपड़ों की स्टाइल टखनों से नीचे, यूं कहा गया कि औरतें अपनी सलवारों को टखनों से नीचे रखे और मर्दों से ये कहा गया कि अपनी सलवारों को टखनों से ऊपर रखे, उल्टा हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने बताया पूर्वे कयामत से पहले मर्द औरतों की नक्काली और औरतें मर्दों की नक्काली करेंगे, मर्द औरतों का लिबास औरतें मर्दों का लिबास पहनेगी। याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत हमारे लिए मशाल राह है और कामयाबी है और उसी के अंदर हमारी ये सारी चीजें छुपी है। जो मर्द अपने कपड़ों को और अपनी सलवारों को टखनों से नीचे रखता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कहा वो उसकी एरिया जहन्नम में जाएगी। और साइंस ये कह रहा है कि सूरज की शुआएं अगर उन टखनों पर नहीं पड़ती है ये मर्द जल्दी नामर्द बन जाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नामर्दगी की निशानी है कि टखनों से नीचे अपने सलवारों को लटकाना और अपने पैंट को लटकाना ये मशरिक की ये मगरिब की तहजीब है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब है कि अपने सलवारों को टखनों से ऊपर किया जाए और औरतों से कहा गया कि अपने टखनों को नीचे किया जाए। मगर पूरा उल्टा हो रहा है कि कांधे बाली मर्दों की आ गई, औरतों की कांध से बाली निकल गई है, मर्दों का लिबास औरतों ने पहन लिया और औरतों का लिबास मर्दों ने पहन लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूर्वे कयामत से पहले ये होने वाला है तो सब भारत विचारों की निशा वनिशाओं की निजान का औरतें मर्दों की नक्काली करेंगे और मर्द औरतों की नक्काली करेंगे। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो होली पर कि अल्लाह के अलावा गैरों की कष्ट खाई जाएगी। इसमें एक मसला अच्छे से समझ लीजिए कि अल्लाह के सिवा किसी की कसम नहीं खा सकते, बल्कि ना माँ कसम माँ कसम, वो माँ कसम खाना भी शिर्क है। किसी की कसम नहीं खा सकते, सिर्फ अल्लाह की कसम खाना जाहिर है। अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना मेरे बच्चों की कसम, रोजी में बैठा हूँ कसम खा रहा हूँ मैं झूठे बोलूंगा, ये सारी कसमें ये शिर्क है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात और उसकी सिफात की कसमें खा सकते हैं, उसके अलावा और कसमें खाना ये शरीयत के अंदर हराम है। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया वो शहीद अल-मुमिनू मिन गैरी अन यस्तशीरा कि मुसलमान की हालत इतनी हो जाएगी कि वो मुसलमान झूठी गवाही देने लगेगा। ये भी कुर्बे कयामत की निशानी है। और सुल्लिमा बिल मारिफती और जान पहचान वालों को सलाम किया जाएगा, जिसको सिर्फ जानते होंगे तो उसको सलाम किया जाएगा, जिसको नहीं जानते होंगे उनको सलाम नहीं करेंगे। कुर्बे कयामत की निशानी में से निशानी ये है। उलमा ने लिखा है दिन में 27 मरतबा सलाम करो, सलाम अलैकुम दिन में 27 मरतबा सलाम करो, अल्लाह ताला उस मुसलमान से मुस्तजाबुद दावत बना देगा, यानी उसकी सारी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा, वो जो मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। कुर्बे कयामत से पहले ये निशानी है कि आदमी सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम करेगा, दूसरों को सलाम नहीं करेगा। सारे नियत करे कि जिसको भी देखे इंशाल्लाह हर सलाम का रिवाज काम करेंगे, इसलिए कि सलाम के अंदर दुआ है अस्सलाम वालेकुम तुम पर सलामती हो। आप जब ये दुआ को आम करोगे तो सब मुसलमान सारी बीमारियों से और सारी आफत और मुसीबत से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और अल्लाह उसको सलामत के अंदर रखेगा। कितनी प्यारी तहजीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई है। वह दुनिया दुनिया भी हमारी आखिरत के अवल से दुनिया कमाई जाएगी,
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल अमानत तुम्हारे नामा कल जकात तुम्हारे नामा। अमानत को लोग माले गनीमत समझेंगे और जकात को लोग टैक्स और तावान समझेंगे। जकात को निकालने के लिए जिन पर बोझ पड़ेगा, हालांकि जकात निकालने से माल की हिफाजत होती है, पूरे कयामत से पहले पहले जकात के माल को निकालने के लिए लोगों के सिर पर बोझ पड़ेगा और उसको टैक्स और एक तावान समझेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वकाल सईम कौमी और सलूह, सबसे नालायक किस्म का आदमी और सबसे घटिया किस्म का आदमी ये कौम का सरदार बन जाएगा। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी और शरीयत का पाबंद नहीं होगा, इस्लाम जानता नहीं होगा, कुरान और हदीस नहीं मालूम होगी, ये कौम का लीडर बनेगा। अल्लाह के रसूल ने बताया वकाल सईम कौमी और सलूह, कौम का लीडर, कौम का सबसे बड़ा कमीना आदमी होगा और लोग फैसले उनके बात कराएंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले भी होंगे। अल्लाह हम लोग की हिफाजत करवाए, वो आपका निजानू अब वो आपका रजूल अबा हूँ और आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा, वह जफा उम्म हूँ और अपनी माँ की माँ के साथ सरकशी करेगा, माँ बाप की नाफरमानी करेगा, वह दंगों को भी कहूँ और अपने दोस्त को हसद की बुनियाद पर नुकसान पहुँचाएगा। सारी तरह कयामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था माँ बाप की नाफरमानी कितने खुलेआम हो रही है, दोस्तों को नुकसान पहुंचाना कितने खुलेआम हो रहा है, इसकी तफसील आप कहीं सुन लेना क्योंकि हदीस बहुत लंबी है। बता इमरात हूँ और अपनी औरतों की इताअत की जाएगी। अपनी औरतों की इताअत का मतलब ये है कि नाजायज कामों में भी औरतों की बातों को माना जाएगा, हालांकि